नमस्कार दोस्तों, आज अगर आप हमारे देश में देखेंगे ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो बड़े शहर हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को तो मिलेगा। जैसे कि मेट्रो रेल की सर्विसेज कई जगह ये स्टार्ट हो चुकी हैं, कई जगह इसका काम चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, बेसिकली इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब मेट्रो रेल को किस तरह से बस के थ्रू कनेक्टिविटी मिल जाए, यहाँ पर इन सभी चीज़ों को जो ऑटो रिक्शा है, मतलब एक सिंगल कार्ड होना चाहिए जहाँ पर पेमेंट आसानी से हो सके, तो ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी। और जब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोची ने यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा कदम लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोचीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू सी ड्रास्टिक चेंज। तो ये ऐसा क्यों होने वाला है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऑलरेडी 1 नवंबर से कोची में ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो चालू हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। तो 1 नवंबर को कोची में लॉन्च किया गया है, इफेक्ट में आ चुका है कोची मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये एक नई अथॉरिटी बनाई गई है कोची के अंदर। और आपको पता होना चाहिए जो कोची है, जिस तरह से मुंबई देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, उसी प्रकार से जो कोची है वो केरला का फाइनेंशियल नर्व है, फाइनेंशियल सेंटर आप कह सकते हो। और ये जो बेसिकली हम KMTA की बात कर रहे हैं, कोची मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये एक तरह की अम्ब्रेला बॉडी होने वाली है जो कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कोची के अंदर उन सब चीज़ के ऊपर ये निगरानी रखेगी। अब जब मैं पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो कोची के अंदर इस समय अगर आप देखिए तो वहाँ पर वाटरवेज भी है। जी हाँ, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा, वहाँ पर बैक वाटर्स जिसको आप कहते हो वाटरवेज के थ्रू काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकती है। इसके अलावा वहाँ पर बसेज हो गए, ट्रेन्स, मेट्रो रेल, कैब्स, ऑटो रिक्शा, ये सभी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी लोकेशंस देख लेते हैं। न्यू दिल्ली से यहाँ पर जूम आउट करना होगा हमें और जाना होगा साउथ की तरफ। और यहाँ पर आप देखोगे ये है आपका केरला, और केरला के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है कोची। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कोची है यहाँ पर लगातार आपको कई सारे वाटरवेज देखने को मिलेंगे। ये देखिए वाटरवेज है, बैक वाटर्स इसको कहा जाता है। इसके थ्रू भी काफ़ी अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है और बाकी भी ट्रांसपोर्टेशन जैसा मैंने बताया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आखिरकार आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब ऑलरेडी इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली हमें ये जो कोची मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पर जो अर्बन प्लानर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कंप्लेन किया कि ये जितने भी सिस्टम ऑलरेडी मौजूद हैं वो एक सबसे पहली बात तो एक्सपेंसिव है, फार रीचिंग है, मतलब अगर आपको घर से उस चीज़ को लेना है तो यहाँ पर कई बार दूरी पड़ जाती है जिसकी वजह से परेशानी आती है। इसके अलावा यहाँ पर इंटीग्रेशन की कमी है, कनेक्टिविटी की कमी है। अगर मेट्रो ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रहा है तो वहाँ से भी सुविधा होनी चाहिए कि बसेज या फिर बाकी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप दूसरे एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँच पाओ। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो 2017 में कोची के अंदर जो मेट्रो रेल स्टार्ट किया गया था, 2017 में ये स्टार्ट हो चुका था फर्स्ट फेज आपका। तो उस समय जब ये स्टार्ट किया गया था तो इस चीज की कमी महसूस हुई थी कि एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी नहीं है, एक सिंगल कमांड और कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको 2013 की बात बताता हूं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर क्लियरेंस दिया था कि कोची के अंदर हम मेट्रो रेल ला सकते हैं, तो वहां पर एक प्री कंडीशन सेट किया गया था कि एक प्रॉपर इंटीग्रेशन सिस्टम होना चाहिए, कॉमन टिकटिंग सिस्टम होना चाहिए अंडर नेशनल अर्बन मोबिलिटी पॉलिसी के तहत। तो यहां पर ऑलरेडी प्री कंडीशंस डाल दिया गया था और इसको देखते हुए कोची मेट्रो रेल लिमिटेड सबसे पहले अपना उन्होंने कदम बढ़ाया और यहां पर एक ड्राफ्ट बिल एक तरह से लेकर आई। और फाइनली ये सारी चीजों को देखते हुए नवंबर 2019, पिछले एक साल पहले, यहां पर केरला असेंबली में ये जो KMTA बिल है, दैट इज केरला मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये बिल को पास कर दिया गया। और इसके थ्रू यहां पर क्या किया गया कि तीन शहर, केरला के जो तीन शहर हैं तिरुवनंतपुरम, कोझीकोड और कोची, यहाँ पर अलग अलग जगह ये जो मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ये बनाया जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि ये जो KMTA है ये एग्जैक्टली है क्या। तो ध्यान रखिएगा, ये एक तरह की इंडिपेंडेंट बॉडी होगी और इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना, डेवलपमेंट करना, उसका प्रॉपर सुपरविजन उसके ऊपर रखना, ताकि अर्बन एरियाज के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं वो फ्लोलेस यहाँ पर काम कर सके। इसके अलावा ये जो
बॉडी है या अथॉरिटी होगी इसको चेयर किया जाएगा। इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और जो सेक्रेटरी हैं वो इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। इस बॉडी के अंदर मैक्सिमम 15% हो सकते हैं और इस बॉडी में यहाँ पर जो स्टेट पुलिस कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं और इसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ के सेक्रेटरीज हो गए, लोकल MLA हैं, वो सभी इनके अंदर रिप्रेजेंटेशन दे सकेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो KMTA बनाया जा रहा है केरला के अंदर, कोची के अंदर, ये इसका मेन काम क्या होगा। तो सबसे पहली बात कही जा रही है कि एक सिंगल टिकटिंग सिस्टम लाया जाएगा, एक स्मार्ट कार्ड रिचार्जेबल तौर पर लाया जाएगा और इसको पब्लिक बसेस, प्राइवेट बसेस, इसके अलावा इवन ऑटो रिक्शा, जी हाँ, ऑटो रिक्शा के अंदर इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर जो लोग हैं उसको ट्रैवल कर पाएंगे। मेट्रो रेल में तो ऑब्वियसली बात है कर पाएंगे, इसके अलावा जो फेरीज होती हैं वहाँ पर कर पाएंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोची वन स्मार्ट कार्ड कर लॉन्च हो चुका है जिसके थ्रू कई सारे प्राइवेट बसेज में भी इसको यहाँ पर पेमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि रूट रैशनलाइजेशन किया जाएगा। रूट रैशनलाइजेशन का मतलब यह है कि जिस रूट में ज़्यादा ज़रूरत है बसेस की, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, वहां पर ज्यादा फैसिलिटीज लाने की कोशिश की जाएगी, इसी को रूट रैशनलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा एक कॉमन टाइम टेबल प्लान होगा, मतलब कि बसेस का अलग टेबल नहीं होगा, मेट्रो का अलग नहीं होगा, सभी को इंटीग्रेट करके एक सिंगल कॉमन टाइम टेबल प्लान बनाया जाएगा ताकि अगर किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देख पाए कि किस किस तरह से वो जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि वाटर मेट्रो सर्विस अगले साल स्टार्ट किया जाएगा। वाटर मेट्रो सिंपल यही है कि जो पानी में वाटर वेस्ट, जो मैंने अभी आपको दिखाया मैप के अंदर, वहाँ पर फेरीज चला करेंगी और ये काफ़ी फास्ट आप इसको ट्रैवल कर सकते हैं वो इसके थ्रू भी, और ये भी एसी प्रकार के होंगे और नॉन एसी भी इसके अंदर फेरीज आपको देखने को मिलेंगी। और इन सभी फैसिलिटीज को बेटर वे में प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, अलग अलग बस स्टैंड पर, बसेस के अंदर ये सारी चीज़ें लगाई जाएंगी। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि ज़्यादातर प्राइवेट बसों के अंदर, कोची के अंदर, GPS डिवाइसेस लगाए जा चुके हैं। अब देखिए, GPS जब तक नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर आप किसी बस स्टॉप पर रुके हो, आपको पता होना चाहिए कि एक जो बस है वो कितना दूर है आपके बस स्टॉप से। अगर आपका घर पास में है तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पर आ सकते हो उस बस स्टॉप पर और उस बस को कैच कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एमिनिटीज़ हैं, क्लीनिनेस हो गया बस स्टैंड पर, ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं उसका भी जो ध्यान है वो KMTA देखेगा। और एक सिंगल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, ये भी बताया जा रहा है। मतलब आप कॉल कर सकते हो, कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हो, वहाँ पर एक सिंगल कमांड सेंटर होगा जो इन सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा। यही मेन काम है KMTA का। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर कोची के निवासी को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन प्लान के थ्रू, यहाँ पर आपको चीज़ें जानने को मिली होंगी। और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से बाकी भी जो शहर हैं देश के अंदर वो भी इसी तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो फ्लोलेस हो सके, बेहतर हो सके। जाने से पहले, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं रेल बंधु के बारे में? ये रेल बंधु है क्या एग्जैक्टली? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, आप टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं लगातार कई सारे क्विजेस डालता रहता हूँ MCQ के फॉर्म में स्टोरीज के अंदर, आप वहाँ से प्ले कर सकते हैं। अगर आप उससे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप StudyIQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।